डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा देखने के बाद आप कमेंट करेंगे, उससे पहले कमेंट ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट अपडेट न्यूज़पेपर में आया है। और देखिए, सर ने बोला है, मैंने तो पहले ही कहा था, गुरु में जाइए समाज कल्याण ऑफिस, जो ज़िले में आप पढ़ रहे हैं उस ज़िले के जो समाज कल्याण ऑफिस है वहाँ चले जाओ, आपकी जो भी प्रॉब्लम भाई साहब वहीं से सॉल्व होगी। और 10 क्षेत्र में कुछ लोग कह रहे हैं रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, आ जाएगा, ठीक है। यदि NPCI में ऐड करा लिया है तो उनका जो बच्चों का जो रिव्यू हो दोबारा चेकआउट करा जाए। यदि यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो नहीं चेक कर पा रहे हैं स्टेटस और NPCI अपने बैंक जाकर मैपिंग नहीं करा पा रहे हैं, तो उनके साथ यहाँ पर जो भी है उनका फॉर्म रिजेक्ट मत करो जिनका सही है। यही बताया जा रहा है, अगर आपका बैंक है वो किसी भी मर्ज हो गया है तो आधार बेस्ड अकाउंट में पैसे भेजिए, NPCI मैप्ड करा लो। हर वीडियो में आपसे बोल रहा हूँ जिनकी बैंक प्रॉब्लम है, भाई साहब NPCI मैप्ड कराओ कराओ, लेकिन आप सुनते कहाँ हो, ठीक है। चलिए, IFC कोड गलत है, बैंक मर्ज हो के कारण करेक्शन विंडो ओपन कराइए। जिनका IFC कोड गलत है तो जिनका, देखिए बैंक में जाओगे तभी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी, है ना। बैंक वाले भगा दे रहे हैं तो मानते नहीं हमारी बात, हम कह रहे हैं आपसे जो उसको मानो एटलीस्ट, ठीक है। ये चीज़ें हैं, उसको पढ़ लो आराम से, पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करना। देखिए, सभी छात्र छात्रों को सूचित किया जाता है, जिन छात्रों के स्टेटस में रिजेक्ट बाय बैंक प्रदर्शित हो रहा है, आवेदन हदोस्तरी के पोर्टल के पर NIC नखलाऊ द्वारा केवल रिजेक्ट मोड को ही प्रदर्शित के कारण जिला स्तरीय द्वारा यहां पर रिजेक्ट कर दिया गया है। कहने का मतलब ये है, जो आपकी बैंक ने रिजेक्ट किया है उसके कारण DWO वालों ने रिजेक्ट किया है, तो पहले बैंक सही करा लो, DWO वाले आपको ऑटोमेटिक सही कर देंगे, ठीक है। तो एक बार पुनः बता दूं आपको, यहाँ पर बोला जा रहा है 9/3/2000 करेक्शन, यहाँ पर बात की गई, कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके लिए बैंक के नाम परिवर्तन बिल लेकर यहाँ पर टूटी आई, जिसमें छात्र छात्राओं की कोई गलती नहीं है, बैंक की प्रॉब्लम है ये, तो बैंक में जाओ आप लोग सही करा लो, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, उक्त के संबंध में अप्रैल माह 2023 में ऐसे छात्रों का डाटा पुनः सुधार हेतु वेबसाइट खोली जाएगी। अप्रैल माह में जिन बच्चों का जो हो गई है उसका पुनः वेबसाइट खोली जाएगी, त्रुटि को ठीक कराने हेतु छात्रवृत्ति के संबंध में नियम अग्रिम कार्रवाई की जाए। और रिजेक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी आ रहा है तो ऐसे बच्चों का कुछ भी सुधार संभव नहीं है, रिजेक्ट बाय बैंक को छोड़कर, जिनका बैंक ने रिजेक्ट किया है तो वो परेशान ना हो, बैंक में जाकर दोबारा EKYC करा लो। जो लोग करा चुके हैं एक बार जाके कहो उनसे कि हमारी जो करेक्शन विंडो ओपन करके हमारा IFC कोड है वो है उसको ठीक कर दो, लेकिन आप लोग सुनते नहीं हमारी बात, ठीक है। आज के न्यूज़पेपर में भी अपडेट आया है, देखिए, हज़ारों छात्रों की छात्रवृत्ति एप्लीकेशन हो गए निरस्त। अपडेट आया है, देखिए, विकास भवन और कलेक्टर पहुंचकर बच्चों ने नारेबाजी की है। अपडेट कानपुर से निकल के आ रही है, आधार कार्ड हो गया आपका, बैंक के ब्यौरे, तमाम चीज़ें यहाँ पर अलग अलग तरीके से पाई गई, और स्टूडेंट स्कॉलरशिप एप्लीकेशन है वो निरस्त कर दिए गए। इसमें छात्र बहुत नाराज़ हो रहे हैं भाई साहब, होने वाली बात ही है, क्योंकि पैसे का मामला है, बच्चे किस तरीके से गरीबी से पढ़ाई करते हैं अपने जीवन को, स्कॉलरशिप बहुत फ़ायदेमंद होती है गरीब बच्चों के लिए। ये देखिए, भवन पहुँची और फिर वहाँ पहुँच कर हंगामा किया। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि DM के निदेशालय को जानकारी दी गई है, डाटा फीड कराने के दौरान जो खामियां मिल रही हैं उनको यहां पर आवेदन निरस्त किए गए, शासन की मंशा पर निदेशालय की राहत दे सके। डिटेल की अगर हम बात करें तो डिटेल में क्या है, जैसे हम बात करें पॉलिटेक्निक के कई छात्र छात्राएं ऐसे हैं, CMCU और पॉलिटेक्निक समेत दूसरे डिग्री कॉलेज ऐसे हैं जो 6-7 हज़ार बच्चों की स्कॉलरशिप आवेदन निरस्त कर दिए गए। मौजूद वित्तीय वर्ष की अगर हम बात करें 70,000 छात्रों की स्कॉलरशिप आवेदन किया था, जिसमें से यहाँ पर बताया जा रहा है 50,000 छात्र छात्र पिछले वर्ग के थे, और जिसमें से 10,000 छात्रों की डिटेल गड़बड़ लिख रही, तो निदेशालय ने क्या किया, उनको रिजेक्ट कर दिया। तो 10 क्षेत्र पर कॉल कर लो आप लोग, है ना, जो अपडेट आएगी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है, जानकारी देने पर फ्राइडे को स्टूडेंट ने हंगामा भाई काट दिया, सीधी सी बात है, पैसे का मामला है, स्टूडेंट हंगामा काटेंगे ही, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। और समाज कल्याण अधिकारी ने फ़ोन पर उन्हें समझाया, तब छात्र जाके शांत हुए। तो कहने का मतलब ये है, आप लोग जो मैं कह रहा हूँ उनको कटलेस फॉलो कर लिया करो, उसके बाद आप कमेंट किया करो, ठीक है। जो पहली बार आए हैं उनसे कहना चाहेंगे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अपडेट वगैरह हम दे सकें, ठीक है गाइस। अब देखो, यहाँ पर एक बच्चा बोल रहा है, सर मैं गया था DWO ऑफिस, उन्होंने बोला हमारी बेटा कोई गलती नहीं है, जिन बच्चों का PFMS पर जो चीज़ मतलब वहाँ फेड हो गई है उसी के रिकॉर्डिंग वो चीज़ ऑटोमेटिकली वहाँ से रिजेक्ट कर दी जा रही है। ये चीज़ भी एक ना एक पॉइंट मायने रखता है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जो बच्चे कमेंट कर रहे थे, यहाँ देखो, PFMS वालों की गलती है एंड सरकार की भी अपने आंखों से, यहाँ पर इस तरीके से DWO ऑफिस गए थे उन्होंने, तो ये चीज़ें इन्होंने बताई हैं।
एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, कई सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर हमारी बैंक प्रॉब्लम हो गई है, या फिर मैं आपको बता दूं, यहाँ बता रहा है कि समाज कल्याण अधिकारी ने बताया है वर्ष 2022-23 में जो आप लोगों की स्कॉलरशिप है इसी मंथ में सभी बच्चों का पैसा आ जाएगा। जिनका वेरीफाइड है उनकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जिनका निरस्त हो गया वो जाकर सही कराएँ, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि फॉरवर्ड नहीं किया था तो शीघ्र की जाएगी, और वो जानकारी यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। अब देखो, यह जिनका ग्रुप से नोटिस आया है और जिन बच्चों का स्कॉलरशिप में जो बैंक प्रॉब्लम है, ग्रामीण बैंक थी, उनका 2 दिन के बाद स्टेटस सही कर दिया जाएगा। आपकी कौन सी बैंक थी हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है गाइस। ये सारी चीज़ें रही हैं, तो खाता दुरुस्त हो गया हो इस तरीके से बताया जा रहा है। फिलहाल जिनका रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है उनका तो पैसा अब यहाँ पर है। कुछ लोग ये कह रहे हैं हमारे जो ऑपरेटिंग एजेंसी है उसके द्वारा रिजेक्ट किया गया है, तो ये चीज़ भाई आप लोग टेंशन ना लो। AKTU ने बोला है 15 तारीख तक इसकी डेट बढ़ाई गई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं और कई बच्चों का पैसा आ भी रहा है, मैं आपको बता दूं, देख सकते हो आप लोग, है ना। कल की डेट में इनका पैसा आया है, किसी का परसों की डेट में आया है, तो बोला जिसका ठीक है ना उसका पैसा आ रहा है, आप लोग टेंशन ना लो, ठीक है। और जो चीज़ें आ रही हैं मैं आपको बताऊँगा, पल पल की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाओ, और जो भी चीज़ मेरे पास आएंगी मैं आपको तुरंत बताऊंगा, ठीक है। स्कॉलरशिप की रही बात, तो आपका इस मंथ में सभी का आ जाएगा जिनका वेरीफाइड है, उन लोगों की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, आपको परेशान नहीं होना। और जो भी अपडेट आएंगी शाम को मेरे पास, मैं आपको अपडेट के माध्यम से बता दूंगा, ऐसे ही जब अपडेट आएंगी तब बताएंगे। आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।